बीटा रीजन पैराडॉक्स। जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम होती हैं तो आप उनको सॉल्व करने की कोई कोशिश नहीं करते, कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाते, क्योंकि प्रॉब्लम्स बियरेबल हैं। आप एक ऐसी जॉब करें जिससे आपको प्यार तो नहीं है लेकिन नफरत भी नहीं है, प्रॉब्लम्स कम है तो आप सह रहे हो। अगर कल को आपका बॉस चेंज हो जाए और ऐसा बॉस आ जाए थोड़ा क्रूस किस्म का जिसके साथ आपकी ना बन पड़े, तो प्रॉब्लम बढ़ने पर आप जॉब छोड़ दोगे, दूसरी जगह जॉब करोगे और ज़्यादा खुश रहोगे। मे बी आप एक अनसेटिस्फाइंग रिलेशनशिप में रह रहे हो जहाँ आपका पार्टनर आपको प्यार तो नहीं करता लेकिन अब्यूज़ भी नहीं करता, प्रॉब्लम कम है तो आप सह रहे हो। लेकिन कल को अगर आपका पार्टनर शराब पीकर अब्यूज़ ही हो जाए तो जाहिर सी बात है कि आप पार्टनर बदल दोगे और दूसरे पार्टनर के साथ ज़्यादा खुश रहोगे। हमारी लाइफ में कम प्रॉब्लम्स हम सह लेते हैं लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें मोटिवेशन देती हैं उन्हें सॉल्व करने का और अपनी लाइफ को बेटर करने का। इसे ही बीटा रीजन पैराडॉक्स कहा जाता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। हैव फन, टेक केयर।